राजस्थान, जहां नारी के सम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता था, जहां के वीर योद्धाओं ने इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपने आप को रक्त रंजित किया, लेकिन इस धरती, इस देश को झुकने नहीं दिया। लेकिन आज राजस्थान में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है, जहां किसान प्रताड़ित है, जहां दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए नागौर की धरती से एक किसान के बेटे श्री हनुमान बेनीवाल जी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हुंकार भर ली है। इस किसान के बेटे ने तय कर लिया है कि राजस्थान में आम जन की सरकार होनी चाहिए। अब सत्ता की सवारी कोई भ्रष्ट नेता ना करे। राजस्थान में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को मिटाने, नौजवान किसान और सर्व समाज को जगाने के लिए 28 सितंबर से सालासर बालाजी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। आप सभी से आग्रह है कि सत्ता संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक किसान के बेटे के हाथ मजबूत कर राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार करने में अपना सहयोग दें।